कीर्ति जी हमारे बीच में हैं, कीर्ति काले जी, वो नाम मैंने बताया है। गोयल साहब बैठे हैं हमारे, ये भी बहुत बढ़िया रेवाड़ी में आयोजन लगातार करते रहते हैं। मयंक भाई, क्या मयूर भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। और गोपाल वशिष्ठ बैठे हैं जो दैनिक जागरण से ही हैं, बड़ी देर से अच्छा संचालन कर रहे थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तमाम लोगों के धन्यवाद के बाद आइए दोस्तों उस कवित्री को सुनते हैं जिसके लिए हम सब लालायित हैं, सुनने के लिए हम भी उत्सुक हैं। वो कवित्री जो हमें प्रेरणा देती रहती है, जिनका आशीर्वाद स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है, हम हंसी मजाक में बहुत सी बातें कह देते हैं लेकिन वो कवित्री हमारे बीच में है। वो गीत भी लिखती हैं, गजल भी कहती हैं, छंद भी कहती हैं, मुक्तक भी कहती हैं, सब बातें कहती हैं, वीर रस भी, श्रृंगार रस भी, हास्य रस भी, तमाम रसों में अगर किसी की हिंदुस्तान में एकमात्र कविता की कवि कवित्री की अगर किसी पर इन सभी रसों पर पकड़ है तो उसका नाम होता है कीर्ति काले साहब। आपकी जोरदार तालियां बजे, मैं आमंत्रित करता हूं कीर्ति जी को। अभी तालियां कमजोर हैं दोस्तों आपकी, एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं आदरणीय कीर्ति जी के लिए। बहुत अच्छी तरह आप लोग सुन रहे हैं। रेवाड़ी कई बार मैं आई हूं लेकिन इस बार एक लंबे अंतराल के बाद मेरा आना हुआ है। बुलाया तो कई बार लेकिन कुछ न कुछ कारण ऐसा हुआ कि मैं आ नहीं पाई। आज का कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा हुआ। हलचल जी के सम्मान का ये कार्यक्रम था और दैनिक जागरण और हरियाणा साहित्य अकादमी का मिला जुला ये कार्यक्रम अपने आप में मैं सफल मानूंगी, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं इस मंच से हुई हैं कि जिन्हें सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं एक छंद से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। अब उस प्लेट को रहने दीजिएगा, उसमें बादाम काजू समाप्त हो चुके हैं। होता यही है, काम कोई करता है, खाता कोई और है। एक छंद से शुरू करती हूं। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद कहा है, सुनिए और अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा। सुनिए कि भारत के नौजवानों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सारे श्रोताओं का मैं ध्यान चाहूंगी और जो लोग मोबाइल पर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल को शांति प्रदान करें और अपनी चेतना, आपकी चेतना को मैं आमंत्रित करती हूँ। सुनिए कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक छंद और सुनाती हूँ और आपका समर्थन मांगती हूँ। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हूं अनेक, यहां एक धरती हमारी एक आसमान है। क्या बात है, वाह। जब हमारे सैनिकों के सिर काटकर धड़ हमारे यहां भेजे जाते हैं, तब एक कवित्री के, इस छोटी सी कवित्री के मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है वो एक गीत की शक्ल के रूप में बाहर निकलता है। एक रचना मैं अपने काव्य पाठ के प्रारंभ में शुरू करती हूँ और मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी। हाँ, और आप सबका भी सुनिएगा। हाँ जी सर, स्वागत। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, और जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी उतना ही आपका समर्थन, आपका उत्साह, आपका क्रोध और आपका जोश मैं मांगूंगी। सुनिए कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी
एक साथ समर्थन मांगती हूँ। किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। और पंक्तियां सुनेगा कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। क्या बात है कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, समर्थन मिले तो भरपूर मिले, कि अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। वाह वाह क्या बात है भाई, वाह कीर्ति जी बहुत बढ़िया। बस यही जोश मुझे अपने देशवासियों में चाहिए कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की, हरियाणा के बहुत सारे बेटे सीमा सेना में हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज़ है तुम पर। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं, कि पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज़ है तुम पर नाज़ है, सारा देश तुम्हारा है। क्या बात है, तुम पर नाज़ है सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और गीत का अंतिम बंद कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका, अब हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। क्या बात है, वाह। कि घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।
बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब लग रहा है कि देशभक्तों के सामने और रेवाड़ी में कवि सम्मेलन हो रहा है। इतने अच्छे तरह से आप लोग सुनते हैं, हर रस की कविता को आपने बहुत ही सलीके से, बहुत अच्छे ढंग से सुना है। और जब भी मैं यहाँ आई हूँ, सभी की कविताओं को, और वास्तव में मैंने इस मंच पर बैठकर भी ये देखा कि जहाँ जहाँ कविता की पंक्ति आई, हर श्रोता ने ताली बजाई, आह किया, वाह किया। देखिए, हलचल जी ने अपनी पत्नी को लेकर कुछ सुनाया, बेचारी थोड़ी सी शर्मा सकुचा रही थी, ऐसी पंक्तियां मंच से इन्होंने पढ़ दी। लेकिन हमारे देश में पति पत्नी का संबंध श्रोताओं बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। उस प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। वाह वाह। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए क्या संबंध होते हैं पति पत्नी के, सुनिएगा। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, कविता ऐसे भी हो जाती है। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। क्या बात है कीर्ति जी, वाह 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 वाह। और बिताए दिन सभी दोनों, आलो बैठ जाओ, अब सबने देख ली तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। क्या बात है, वाह 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 वाह। आजकल के नौजवान प्रेम कैसे करने लगे हैं, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मुहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन लड़कियां भी कम नहीं हैं, होशियार हो गई हैं कि इनके प्यार करने के, भाभी जी सिर ला रही हैं, मतलब मेरी बात सही है, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। ऐसे वैसे मैं उससे प्यार नहीं करती, पहले पूरी जन्मपत्री बांच लेती हैं। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो सारा सदन ताली बजाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ,
लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। अब एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना रेवाड़ी वाला। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। अब एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रात नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। जब इस अनिल अग्रवंशी की शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो अनिल जी, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने कहा कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। क्या बात है, दुनिया ने चिंता मेरे ब्याह की। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उनको छांट कर एक गीत बनाया है। आपने वाह वाह क्या बात है मैं भी इस गीत को देखा होगा, आज मैं साक्षात आपको सुना देती हूँ, एक एक गुण गिनवाती हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि पहले तो लड़की देखते भी नहीं थे, शादी हो जाती थी, जैसी मिल जाती थी उससे निभा लेते थे, लेकिन हलचल जी आपको बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो आपको निभा रही है इतने सालों से। ये तो हलचल जी, आजकल की लड़कियां क्या क्या गुण होना चाहिए ये देखती हैं। प्रत्येक विवाहेच्छुक युवक अपने अंदर इन गुणों को डेवलप करे, नहीं तो फिर कुंवारा ही मरे। एक एक गुण गिनवाती हूँ, सुनिए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको भोला भंडारी सबसे शर्त, सबसे पहली शर्त है कि वो भोला भंडारी होना चाहिए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला, ये भाई साहब सबसे अच्छी ताली बजा रहे हैं, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, सारे लोग इन्हीं की नकल कीजिए, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी से सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। पहला गुण कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, अर्ली इन द मॉर्निंग शार्प 10 o'clock, कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, और ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, ये गुण जरूर होना चाहिए कि ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और ये विशेष बन देखिए कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, लेकिन उसका शीश लेकिन उसका शीश तो मेरे चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, और मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए।
ये आज की नहीं आगे की बता रही हूँ कि मैं भाई साहब सोच रहे हैं कि मेरी तो हो चुकी कि मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी मंडी से लाए तरकारी भोला भंडा। ये गीत मैंने क्यों लिखा, इसको लिखने और सुनाने के पीछे का मतलब मकसद और हेतु क्या है कि मेरी उसमें उसकी मुझमें ही बसती हो जान, परिवार टूट रहे हैं, कि मेरी उसमें उसकी मुझमें ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना 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 भोला। लेकिन श्रोताओं, क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। मैंने आपको बहुत सारे तरह तरह की रचनाएं सुनाई, लेकिन क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। दो दोहे सुनाती हूँ। मैं मूल रूप से मराठी भाषी हूँ, पिछले 25 सालों से दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मुझे तरह तरह की भाषाएं सीखने का चाव है। राजस्थानी भाषा के दो दोहे सुनाती हूँ जो आपकी हरियाणवी के बहुत निकट की भाषा है, सुनिएगा। कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, क्या बात, जंगल में आग लग गई, चंदन का पेड़ धू धू करके जलने लगा, तो उस चंदन के पेड़ ने अपनी डाली पर बैठे हुए हंस से कहा कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाझू पंख बिन तू क्यों दाझे हंस। क्या बात है, वाह। कि हे हंस, मेरे तो पंख नहीं है, पैर नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन तेरे तो पंख भी हैं, पैर भी हैं, तू मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता। तो उस हंस ने जो जवाब दिया वो उस की प्रेम की पराकाष्ठा लगे तो बताइएगा। उस हंस ने कहा कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा थारी डाल, कि मैंने उम्र भर किया ही क्या है, तेरे पत्तों को निचोड़ निचोड़ कर उनका रस पिया है, तेरी डाली पर बैठकर विश्राम किया है, कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा थारी डाल, और तू जले मैं उड़ चलूं जीनो किते काल। क्या बात है, वाह। ये होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी, जिसे हमने व्हाट्सएप के मैसेज में डालकर रख दिया है। हाँ, एक डिलीट का बटन दबाया और मैसेज और प्रेमी दोनों साफ। एक प्रेम का गीत सुनाती हूँ कि क्या होता है प्रेम। ये गीत मेरा बहुत लोकप्रिय रहा है, बहुत दिनों बाद रेवाड़ी आई हूँ, और विशेष रूप से सत्यदेव हरियाणवी जी बार बार बोल रहे हैं कि वो गीत आप सुना दीजिए। सुनाती हूँ, सुनिए, बहुत मन से सुनना, लेकिन ये मेरे बहुत मन का गीत है। क्योंकि कहते हैं कि वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे, आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने कहा है, बहुत बड़े गीतकार हैं, कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरा गीत करना चाहता है। एक बार तालियां बजाकर मुझे गीत पाठ की अनुमति दीजिएगा। वाजी स्वागत है। कि आंखों में फागुन की मस्ती, जब किसी, पहले सुन लीजिए भाई साहब, जो आवाज में कर, जब किसी से प्रेम होता है तो कैसे अनुभूति होती है। कि आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। देखो छोटा सा बच्चा भी ताली बजा रहा है, क्या एडवांस जमाना है। कि आंखों, एक साथ ताली बजाइए, कि आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब पंक्तियां सुनिए।
महसूस कीजिएगा कि पैरों की पायल छन की कंगन खनका, पैरों की पायल छन की कंगन खनका, हर आहट पर चौक चौक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब गीत का सबसे अच्छा बंद सुना रही हूँ, सुनिए कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, महसूस करना मेरी इन पंक्तियों को, कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अच्छी पंक्तियां तो आप मिस कर रहे हैं, सुनिए कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। अभी कुछ दिन पहले एक कवि सम्मेलन में मैं कानपुर गई, वहां आगे आगे की लाइन में वहां के कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे, तो इन कवियों की कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। ये कविता का जादू होता है जो श्रोताओं के सिर पर चढ़कर बोलता है। गीत का अंतिम पद सुनाती हूँ, एक किशोर वय की कन्या का मैंने शब्द चित्र खींचा है, सुनिएगा कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कि जिन, देखिए शब्द की रचना कैसे हुई है, कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसे चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा। देखिए बहुत सारी बातें, मैं तो कुछ कह नहीं सकती उनसे, आप लोग कहिएगा। जी जी जी, भाई साहब आप मुझे पता नहीं सुन के बजा रहे हो या देख के बजा रहे हो, जब हमने दिखाएगी तो हम बजा देंगे। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी ताली मत बजाइए, कविता सुनिए बस। हाँ जी चलो, हाँ मेरे तो पीछे आंखें नहीं है ना, क्या करें। मुझे तो सामने ही दिखाई दे रहा है। देखिए कहते हैं कि हरियाणा में सबसे अधिक कन्या भ्रूण की हत्या होती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम अपनी बेटियों को आंख की पुतली की तरह से रखते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और जब वो बेटी विदा होती है तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। आप 2 मिनट बैठिए भाई साहब, अच्छा अच्छा आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, कोई बात नहीं, हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। कभी कभी ना कभी किसी ने अपनी बेटी को अपनी बहन को विदा किया होगा, या अपने पड़ोस में किसी को विदा होते हुए देखा होगा, तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए होंगे। बहुत कारुणिक दृश्य होता है कि जब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं, किसी दूसरे को कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंप देते हैं,
तो हमारा मन ही जानता है कि हम अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे सौंपते हैं। राजगोपाल सिंह जी ने दो दोहे सुनाती हूँ। पहले उन्होंने लिखा कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार। कैसा जीवन है बेटी का, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। और कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। यहां देश की बात हुई, दुनिया की बात हुई, प्यार की बात हुई, अंतिम रूप से मैं एक बेटी की बात करना चाहती हूं, क्योंकि कवि सम्मेलन उस मुकाम पर ठहरना चाहिए जहां हमारे कुछ नेत्र सजल हों और होठों पर कुछ हंसी हो। नहीं तो उस कवि सम्मेलन के समापन पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम इस कवि सम्मेलन से क्या लेकर गए। हाँ जी, स्वागत। एक बहुत मार्मिक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, जो इन दिनों मेरा बहुत फेसबुक पर और यूट्यूब पर वायरल हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस गीत के लिए। शुरुआत करती हूँ, सुनिए, और मंच के लोग भी बहुत ध्यान से सुने। ताली न बजाएं तो चलेगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, सामने के समर्थन से मेरी सरकार चल जाएगी। सुनिए। डब डब आए नैना, अपने आंसू रोक सके तो रोक कर बैठिए, कि डब डब आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, डब डब आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में मचा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। डब डब आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में मचा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, वाह वाह। कि डब डब आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में मचा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया सी चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, वाह।
डब डब आए नैना दिन रहना नहीं चैना मन में मचा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुराल और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी गोदी में सोती रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी लड़ियां पिरोती आंचल में छुप छुप के हंसती रोती आंचल में छुप छुप के हंसती रोती नटखट अदाओं से तन मन भिगोती कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई पल में गुजर गए साल रे बिटिया चली है ससुराल क्या बात है वाह और लाड से पली बड़ी कोख की जाई अपने कलेजे पे हाथ रखकर ये पंक्तियां सुनना कि लाड से पली बड़ी कोख की जाई सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई आँख की पुतली तू हो रही पराई आँख की पुतली तू हो रही पराई कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई कि छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए छाती फटी सी जाए दू चाल रे क्या बात है बिटिया चली है ससुराल रे बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद एक बार शाही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज काले कर दिए लेकिन मुझसे ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूं पर तू क्यों पिघल रहा है तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक तू जलता है रोशनी देता है उजाला देता है लेकिन साथ में धुएं की लकीर भी छोड़ता हुआ चला जाता है तो जिस ताक में तुझे रखा जाता है जिस आले में रखा जाता है या जिस दीवार के सहारे तुझे रखा जाता है वो पूरी दीवार काली हो जाती है इसका क्या कारण है तो उस दिए ने जवाब दिया कि हे दोस्त मैं अंधेरा निगलता हूँ इसलिए कालिख उगलता हूँ आज मंच पर जितने भी कविगण विराजमान हैं सारे जलते हुए दीपक की तरह से हैं जो समाज को रोशनी देते हैं उजाला देते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत धुएं की लकीर भी छोड़ते हुए चले जाते हैं तो आज का सारा उजाला आपका है और कहीं भी थोड़ी बहुत भी धुएं की लकीर दिखाई दे गई हो तो वो हमारी है हमारे कवियों की है और सितारों को आंखों में महफूज रखना बहुत दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद